भीलवाड़ा की कोरोना वॉरियर्स का उपनगर संघर्ष सेवा समिति ने किया सम्मान। उपनगर ग्रुप में कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन में अपनी चिकित्सीय सेवाओं में योगदान देने के लिए टेरापंथ भवन में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राजन नंदा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुस्ताक खान, प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अरुण गौड़, नगर परिषद की पूर्व सभापति मंजू कोकना एवं भाजपा अध्यक्ष लादूलाल तेली एवं पत्रकारों में पूर्व चिकित्सालय कंपाउंडर महूलाल धारीचंद, महन सिंह शेखावत का संघर्ष सेवा समिति एवं महिला मोर्चा द्वारा सम्मान किया गया। आपने बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हमारे यहाँ आयोजित करके और साथ में किसी किस्म का काम पहले भी किया अभी भी किया तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद जाती हूँ, क्योंकि सर इनका काम लगातार चल रहा है और इन्होंने जो पदिया की जा रही थी उनकी खाने के पैकेट की व्यवस्था हर जगह इनका कार्य बराबर चलता रहा और जगह जगह इन्होंने किसी घरों में जा रहे तो बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और मेन बात अब आई है कि सैटेलाइट हॉस्पिटल सर हम लोग ऐसा करने से कोरोना वायरस किसी भी जगह से आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर सकता है। अगर आपको छींक आती है या जुकाम हो रहा है या ऐसा है तो अपनी अपने पूरी डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। जैसे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, अभी तक एक भी पॉजिटिव केस यहाँ से नहीं आया है। भगवान का डिस्टेंस इन सब प्रॉब्लम के साथ आपको वापस आने वाले वक्त में कोरोना वायरस का प्रकोप अभी गया नहीं है। भगवान आप सब लोगों के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखे और फ्यूचर में भी कोरोना वायरस याद ही दिखे। धन्यवाद। प्रधानमंत्री माननीय रघु शर्मा जी से हमारी बात हुई और हम लेटर ज्ञापन लेके गए। उन्होंने हैंड टू हैंड फ्लेक्स साहब के नाम जमीन के लिए वहां से ऑर्डर किया और हम लोगों ने यहाँ आकर जो जमीन के जो कागज आवश्यक थे वो हमने पटवारी साहब के माध्यम से उपलब्ध करवाए। अब ये आगे की नैया आपके पार है कि हमारे सैटेलाइट हॉस्पिटल हो जाए में, ताकि उनकी जो अव्यवस्थाएं अभी बनी हुई है वो थोड़ी व्यवस्था में बदल जाए। वैसे हमारे जो कोरोना फाइटर उनके बैठे हुए हैं महेंद्र जी और बैरूला जी साहब, ये इनका इतना अच्छा सहयोग उनमें है और इतना अच्छा इनका ये बिल्कुल समय से परे भी काम की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं और समस्त ग्रामवासी इनसे बहुत खुश भी है और हमारी कोई सुविधा भी है इनसे। और इस महामारी के तहत आप लोगों ने जो अपनी जान जोखिम में डालकर और जो समय इसमें देकर आपने जो युद्ध किया है उसका परिणाम है कि आज हमारे पूर्व में एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं है। मैं यहाँ की जनता से और सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार द्वारा जो निर्देश है उनको आप माने, घर में रहे, बिगर काम बाहर नहीं निकले, घर में रहे, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। आप लोग इस कार्यक्रम में पधारे इसके लिए एक बार पुनः आपका हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।